अरे अरे, ये हाथी कहाँ चली स्कूटी लेकर? हाथी को स्कूटी चलानी नहीं आती क्या? देखिए आप ये सब मेरे बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अरे तुझे हाथी बोल रहे हैं, सुनाई नहीं देता तुझे हाथी कहीं की? लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? यही सही तरीका है बात करने का। पर आप तो मुझे जानते भी नहीं है। तुझे तो पूरा मोहल्ला जानता है हाथी। हाँ माना कि नई नई आई है मोहल्ले में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तेरे बारे में कोई जानता नहीं है। जी लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे बारे में? मैं तो आपकी पड़ोसी हूँ। पड़ोसी? तू पड़ोसी नहीं है, हाथी है हाथी, वो भी बड़े वाला हाथी। देखिए अब आप बहुत बोल रहे हैं, प्लीज। दीदी रहने दो, छोड़ो इन्हें, हमें स्कूटी का पंचर ठीक कराने जाना है। देख देख ये मोटे हाथी के साथ साथ अब ये छोटा हाथी भी मुंह चलाने लग गया है। वैसे मैं तुझे एक सलाह देती हूँ, अपनी स्कूटी का पंचर सही कराने से अच्छा है कि तू अपनी ये हाथी दीदी का पंचर सही करा ले, वो ज्यादा तेरे लिए बेटर रहेगा। वैसे ये पंचर हुआ कैसे? अरे तू पागल है, कैसा सवाल पूछ रही है? ऑफ कोर्स सी बात है, इतना बड़ा हाथी स्कूटी पे बैठेगा तो स्कूटी का पंचर नहीं होगा तो और क्या होगा? देखिए आप मेरी दीदी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते, हम तो बोलेंगे, और इस डबल एक्सल का मजाक उड़ाने के लिए अब छोटे हाथी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा चल तू ही बता दे, तेरी इस मोटी हाथी दीदी को हम क्या कहें? देखिए अब बहुत हुआ आप दोनों का, ऐसे किसी की इंसल्ट नहीं करते हैं। इंसल्ट? हम इंसल्ट नहीं कर रहे, तूने अपना मजाक अपनी इंसल्ट तूने खुद करवाई है। कभी देखा है तूने अपने आप को शीशे में? पता नहीं आ जाती है मुंह उठा के। अरे देखेगी भी कैसे, इसके लिए तो बड़ा वाला शीशा चाहिए, तब जाके अपने आप को कहीं देख पाएगी। प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए, अगर आपका कोई ऐसा मजाक बनाएगा तो आपको कैसे लगेगा? हमारा मजाक? सीरियसली हमारा मजाक क्यों बनेगा? और वैसे तुझे पता है हम दोनों के बारे में, हम मिस बीकानेर रह चुके हैं, तो देख कितने स्मार्ट स्लिम फिट हैं हम, हमारी पर्सनालिटी देख, हमारा कोई मजाक बना ही नहीं सकता। तेरी दीदी की तरह नहीं है जो इस देश पे इस धरती पे बोझ बने बैठे हैं, बस खाते रहते हैं। हमने तो अपने देश के लिए बहुत कुछ किया, नाम बनाया अपने देश का। मेरी दीदी ने ना, छोड़ो इन लोगों को समझ नहीं आएगा। हमें समझ के वैसे भी कुछ करना नहीं है। हाथी मेरे साथी, ओ हाथी मेरे साथी। चलना यार, हमें एग्जाम के लिए लेट हो रहा है, वैसे भी हम यहाँ खड़े होकर अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। सही कह रही है यार, टाइम वेस्ट तो नहीं करना, वैसे तुम दोनों को देखती हूँ शाम को। अरे यार आज ही गाड़ी को फंसना था। तू ट्राई तो कर, नहीं तो एग्जाम के लिए लेट हो जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी यार। यार मैं तब से ट्राई तो कर रही थी, अब मैं क्या करूं, गाड़ी गड्ढे में फंस गई तो। लगता है आज तो एग्जाम के लिए लेट हो ही जाएंगे, वैसे भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, कैब भी बुक नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी, आप दोनों परेशान लग रहे हैं। अबे हाथी निकल यहाँ से, वैसे ही बहुत दिमाग खराब है, और ज्यादा दिमाग खराब करने की कोशिश होती है, जा यहाँ से। आप दोनों बताओ तो सही क्या हुआ है? देख तुझे कहाँ ना, यहाँ से चले जा, तो चले जा, दिमाग मत खराब कर हमारा। तेरे को दिखाई नहीं दे रहा गाड़ी गड्ढे में फंस गई है, अब तू निकालेगी क्या गाड़ी को? हाँ अच्छा तू निकालेगी, आ आ निकाल गाड़ी को, निकालेगी ना, निकाल के निकाल, हम भी देखते हैं। तुमने ये कैसे किया? क्योंकि मेरी दीदी वर्ल्ड चैंपियन है वेट लिफ्टिंग में। क्या वर्ल्ड चैंपियन? हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था। वी आर रियली वेरी सॉरी, हमें लगा, तुम्हें लगा मैं मोटी हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं कमजोर हूँ? तुम जैसे लोगों के रोज रोज टॉन्ट सुन सुन के मैं स्ट्रांग हो गई हूँ। जब भी घर से बाहर निकलो, कभी मोटी कभी हाथी कभी बेवकूफ कह कह के लोगों ने मुझे स्ट्रांग बना दिया है, और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मुझे ऊपर वाले ने स्पेशल बनाया है और अलग। पता नहीं कितनी लड़कियां मुझ जैसी डिप्रेशन में चली जाती हैं और सुसाइड कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि तुम जैसे लोग उन्हें मजबूर करते हैं ऐसा करने को। वी आर रियली वेरी सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें तुम्हें ऐसे जज नहीं करना चाहिए था। हमें माफ कर दो प्लीज। और एक बात ध्यान रखना, कभी किसी को बॉडी शेम मत करना, क्योंकि तुम्हारा एक मजाक किसी की जिंदगी भर के लिए दर्द बन सकता है। और कभी भी किसी डबल साइज लड़की को देखो तो उसको कमजोर या बेवकूफ मत समझना, क्योंकि हम लोग भी रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी डिजर्व करते हैं। चलो आप, हमें लेट हो रहा है। मजाक, मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है ना, लेकिन आपको आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं,
मजाक उड़ाने से सामने वाले का मजाक नहीं उड़ता है, आप लोगों का मजाक उड़ता है। आप लोगों के बारे में ये पता चलता है कि आपकी फैमिली ने आपको क्या सिखाया है, क्या संस्कार दिए हैं। तो प्लीज़ कभी भी किसी का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी फैमिली का मजाक उड़ता है। तो हमेशा सबको बराबर समझे, इक्वली उनको रखें, ना कि ऊपर नीचे, और किसी को भी नीचा ना समझे। और इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, और जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जल्दी शेयर कीजिए, और हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।